इतने कलर है ना, इतने कलर मैंने चाय ले छीनू जाने का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम लाइफ बिजी लाइफ। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं, मैं आई हूँ अपने मायके गांव में और ये है शीनू और हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं खेत में घूमने के लिए। गांव में जो जो जगह है हम वहाँ जा रहे हैं और शीनू को पता है शीनू मुझे कहाँ घुमाने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ से गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। कह रही है कि पहले तो आप हमारे खेत में चलो। तो इस समय धूप भी बड़ी तेज़ हो रही है और अगर हम शाम का वेट करते हैं ना कि शाम को जाएंगे, तो शाम को क्या होता है ना, दिन ढल जाता जल्दी से, तो हम लोग घूमने ही नहीं जा पाते। इसलिए अब टाइम तो अभी 6 बजने वाले हैं शाम के, लेकिन धूप जम के है। बोरिंग आ गई है तो ये फ्री का स्विमिंग पूल है। मम्मा नहाना है, अभी आगे भी है, पता नहीं किसकी आपकी ब्राउन है, इसकी अलग है, ग्रीन है, है ना। यहाँ पर हम एक दूसरे की आईज़ के बारे में बातें कर रहे हैं क्योंकि धूप की वजह से सबकी आंखें चमक रही हैं और ओरिजिनल कलर दिख रहा है यहाँ पर। चलते चलते फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं शमशान घाट के ठीक पास में। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है, ये देखो ये शमशान घाट है, भगवान जी बैठे, भगवान जी भी हैं, तो बस थोड़ा सा ये सुकून है। इधर खेत हैं, सब लोग कहते हैं शमशान घाट में डर लगता है, लेकिन यहाँ तो लोग इतने आसानी से चल फिर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हमें भी क्यों पड़ेगा, हमें भी नहीं डर लगना चाहिए। तुम्हारा खेत कौन सा शीनू? ये सारा शीनू का खेत है, इधर 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 वाला, सॉरी तो? इधर वाला और आगे मैंगो के बड़े सारे हैं वहाँ पर, और यहाँ पर बोरिंग भी लगी हुई है। शीनू ये दोनों बोरिंग तुम्हारी है? हाँ। ये बोरिंग है, ये बोरिंग हाँ। और ये कब पर्पल वाला भी है, वाइट वाला भी है, पर्पल वाला भी है, प्लस फ्लावर भी लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये देखो ये कटहल का पेड़ है फ्रेंड्स, देखो ये कितना बड़ा कटहल का पेड़ है, कटहल भी लगे हुए हैं लेकिन बड़े ही ऊपर है। जूम करके दिखाती हूँ, कहाँ गया ये रहा। फ्लावर्स भी होते हैं और बहुत ही सारे यहाँ पर देखो प्लांट्स लगे हुए हैं। ये देखो ये फ्रेंड्स जामुन का पेड़ है। कौन सा पार्क चलो, यहाँ पर कोई पार्क भी है, है? ये बच्चे कह रहे हैं पार्क है, कहाँ पे है पार्क है ही नहीं, वो तो नर्सरी है, उसके आगे भी है नर्सरी के आगे का ना, उस पे अभी कुछ काम चल रहा है, वो पार्क नहीं है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर, हरियाली एक तो बहुत है ना, तो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब
चीजें अच्छी लग रही हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, मैं शीनू के बारे में आपको बताती हूँ। शीनू एक मेकअप आर्टिस्ट है और एक योगा ट्रेनर है। इंस्टाग्राम पे इसका एक पेज बना हुआ है, यस टू योगा, और अगर आप योगा में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर अक्सर वीडियो शूट करने के लिए आती है, इसलिए मैं भी इसके साथ आई हूँ वीडियो शूट करने के लिए। अब आप देखना कि गाँव का कैसा माहौल होता है। यहाँ पर एक नर्सरी भी है, यहाँ पर बाग भी है जिसमें बहुत ही सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। अभी टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ नहीं जाने वाले हैं। फिलहाल तो ये शमशान घाट है जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ। शमशान घाट ये कम लग रहा है और ये पार्क ज़्यादा लग रहा है, और यहाँ पर हम लोग डरने की बजाय ना इंजॉय कर रहे हैं, और ये हमारे बच्चे, इनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। अरे अरे इधर बेटा, आप लोगों को डर लग रहा है? परी, आपको डर लग रहा है यहाँ पर शमशान घाट पे? इसको भी डर नहीं लग रहा है, छोटी सी को, किसी को डर नहीं लग रहा। और हम कहाँ खड़े हुए हैं? ठीक, हम मूर्ति के ठीक नीचे खड़े हुए, और अंदर देखिए बिल्कुल शमशान घाट है दो चार कदम पे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आने से क्या हुआ ना, मेरा जो डर था ना शमशान घाट के प्रति, वो सब निकल गया। अभी बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से जा रहे हैं खेतों की तरफ से। अब हम देखते हैं कि कहाँ जाते हैं, शायद नर्सरी या फिर बाग में। तो यहाँ खेत के पास तो पहले नर्सरी पड़ रही है, तो हम नर्सरी में ही जाएंगे, और उसके बाद देखेंगे टाइम बचेगा तो हम बाग में जाएंगे, नहीं तो फिर कल जाएंगे अगले दिन। शीनू, अपने बारे में कुछ बताओ। फ्रेंड्स, ये देखो तोरी की बेल। हमारी नर्सरी शुरू हो जाती है। नींबू लगे हुए हैं। यहाँ पर बच्चे लोग खेल रहे हैं फील्ड में। ये आंगनवाड़ी है, बच्चे खेल रहे हैं। कोयल बोल रही है, ये रही कोयल। ये देखो, ये कोयल है, ये अपने आप को बड़ा होशियार समझती है। आज हमने भी इसको पकड़ लिया। अरे उसको पता है हम इसको देख रहे हैं, दिख ही नहीं रही, पत्तों में छिप रही है। ये रही, ये रही। मैंने आज पहली बार कोयल को ऐसे देखा है। वैसे मैंने भी आपको देखने के लिए देखी है। कोयल छुपती रहती है, तो सामने क्यों नहीं आती है? मैंने यहाँ पे देखा था। ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़ आ गए नर्सरी के। इधर से सूरज भी ढलने वाला है। देखो बकरियां आ रही है। इधर खेत है फ्रेंड्स, देखिए ये पूरा खेत है इधर, और इस तरफ है बहुत बड़ी नर्सरी। अब देखिए फ्रेंड्स, हम नर्सरी के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए थे, ज़्यादातर मेरी फ्रेंड्स थी जिनको मैंने बहुत सालों से नहीं देखा था, उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो चाय ले। अच्छा पानी पीना। फ्रेंड्स देखिए, हमारे लिए फ्रिज भी है, मजबूरी में हमें गर्म पानी पीना पड़ रहा, मजबूरी में हमें गर्म पानी पीना पड़ रहा। फ्रिज हमारे लिए खुले ही नहीं, लॉक है। डालो, चले देख। 150 का फ्लावर जी का, कितने सारे लोग मिल गए। ऐसे नहीं छेड़ो, ऐसे मत उठाना, ठीक है? नर्सरी बंद हो चुकी है फ्रेंड्स, और हम लेट हो गए हैं यहाँ पर, क्योंकि हम पहले चले गए थे ना खेत में, तो अभी नर्सरी बंद हो गई है। अच्छा, फंस गया लगता है। दरवाजा बंद हो गया। नर्सरी हमारी तरक्की कर रही है, अगर किसी को आना हो तो आप बेशक यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत बड़ी नर्सरी है, जिसकी मनपसंद के अगर फ्लावर्स और प्लांट्स नहीं मिल रहे हैं ना, वो यहाँ पर आके ले सकते हैं। पल्लवी का नर्सरी है, यहाँ
यहाँ पर खास चीज और भी है, पॉट। यहाँ पर प्लांट्स के साथ साथ यहाँ पर पॉट्स भी मिलते हैं। ये देखो चीनी मिट्टी के पॉट्स हैं सारे यहाँ पर, हर वैरायटी के आपको यहाँ पर पौधे मिलेंगे, हर वैरायटी के। और वाटर लिली देखो, वो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए वाटर लिली भी है यहाँ पर, देखिए वाटर लिली लगा हुआ है पर्पल कलर में। और बाकी जितने ना देखे यहाँ पर सारे वाटर लिली लगे हुए हैं, सब अलग अलग कलर के हैं। फ्रेंड्स ये देखिए कितने सारे ये वाटर लिली हैं, सारे के सारे अलग अलग कलर के हैं, लेकिन सब बंद हो गए हैं इस समय। फ्रेंड्स देखिए ये सारे अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ से लेकर पूरे वहाँ तक, और इधर जितने भी है ना सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं, और कुछ ये कच्चे पक्के आम मतलब लगे भी हुए हैं इसके ऊपर। फ्रेंड्स ये देखिए ये पूरा वहाँ से लेकर और ये वहाँ तक पूरे रोज फ्लावर है, देखिए कितने कलर दिख रहे हैं। पास से हम जाएंगे नहीं क्योंकि अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये दिखा रही हूँ इतने कलर है ना, इतने कलर मैंने पूरी जिंदगी में रोज फ्लावर के नहीं देखे होंगे जितने आज देखने को मिल रहे हैं। जा रहे हैं यहाँ से क्योंकि पूरा हमारा काम हो गया है जितना हम करने के लिए आए थे, खेत भी घूम लिए, नर्सरी भी घूम लिए, और अभी हमने नर्सरी पूरा नहीं घूमे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय।